बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस ए ट्रेशन। आप सब कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली मेंबर? मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रही हूं वो ब्राइडल के ड्रेसेस के हिसाब से, जैसे कि वेस्ट कंट्री में रहने वाली मेरी बहनें इस तरह की ड्रेसेस को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। उन्होंने अपनी मैरिज के लिए या किसी पार्टी के लिए या किसी भी इवेंट के लिए उन्होंने इस तरह का कोई ड्रेस बनाना है या किसी भी तरह का ख़रीदना या परचेज करना या स्टिच करवाना, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हमारी एक वीडियो से उनको बहुत अच्छा एक ड्रेसेस के बारे में आइडियाज़ मिल जाएगा, जो कि कपल के हिसाब से है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बॉयज़ के लिए भी है कि उन्होंने अगर अपनी शादी के लिए किसी भी तरह का ड्रेस बनाना है कि उनकी जो वाइफ है उनके साथ किस तरह से कंट्रास्ट अच्छी लगेगी, किस तरह से नहीं। आप ये देख सकते हैं कि ड्रेसेस के बारे में आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि वेस्ट कंट्री में तो वाइट कलर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन अब हमारी सिटी में भी, हमारी कंट्री में भी इस तरह के ड्रेसेस को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाने लगा है कि निकाह के मौके पे ख़ास तौर पे गर्ल्स इस तरह के ड्रेसेस को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। कोई बर्थडे पार्टी हो या इसके अलावा वैसे ही कोई इवन पार्टी हो तो इसमें भी इस तरह के ड्रेसेज, वाइट कलर की फ्रॉक्स, स्कार्फ स्टाइल बहुत प्यारे लगते हैं, जो कि बहुत अच्छे भी लगते हैं और गर्ल्स इस तरह के ड्रेसेस को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। अब आप ये देख सकती हैं कि अगर आपको इस तरह का कोई ड्रेस बनवाना है, नेट में बनवाना है या शिफॉन में बनवाना है, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मार्केट में जो नेट आई हुई है वो बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पल्स का काम भी है, जो कि करदानी का काम भी है। इसके अलावा करदानी के अलावा बहुत खूबसूरत फ्लावर्स में भी नेट आई हुई है। अगर आप इस तरह की मैक्सी स्टाइल बनाना चाहते हैं तो उसके नीचे आप कैनकैन भी लगा सकती हैं। अगर आप शिफॉन में बनाना चाहती हैं तो प्लेन सादी रखना चाहती हैं मैक्सी, तो वो भी बना सकती हैं। लेकिन हमारी इस वीडियो से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपने अपने लिए जो ड्रेस तैयार करवाना है। इसके अलावा अगर आप वाइट कलर के अलावा आप ऑफ वाइट कलर को भी पसंद करती हैं तो उसमें भी आप इस तरह का ड्रेस बना सकती हैं। आप ये देखिएगा कि इस तरह की ड्रेसिंग करने से आपको ये होगा कि अगर आपकी चॉइस है कि हमने वाइट कलर का ही ड्रेस बनाना है तो उस पर आप इसके आप स्टोन भी लगा सकती हैं। वो आपने देखा होगा कि कितना खूबसूरत गला लग रहा था। अब आप ये देख सकती हैं कि फ्लप स्टाइल में भी बना सकती हैं, गाउन के स्टाइल में भी बना सकती हैं। मैं इसलिए आपके साथ एक ही वीडियो में काफ़ी तरह के स्टाइल शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरी बहनों को जो इस तरह की वीडियो को देख कर उनको कोई आइडिया मिल जाए कि उन्होंने अपने ड्रेस बनाना है। अगर आप ख़ुद परचेज़ करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं, अगर स्टिच करना जानती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने टेलर से या बुटीक से करवाना चाहती हैं तो इस तरह का कपड़ा लेकर सेम इसी तरह का स्टिच करवा कर जब आप पहनेंगी तो सबसे डिफरेंट और अलग लगेगा आपका ड्रेस, क्योंकि वो आपकी अपनी पसंद और चॉइस से होगा। क्योंकि जब आप कोई चीज़ देख कर बनवाते हैं तो वो सबसे अलग और डिफरेंट लगती है, जो कि मार्केट में आई हुई चीज़ें होती हैं उनसे बिल्कुल चेंज होती है। कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, कि आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, कोई भी किसी किस्म की मशवरा चाहिए, हम अकेले बैठे सोच रहे होते हैं कि हमने अपने जो ड्रेस बनाना है क्या करें क्या नहीं। अगर आप कोई वीडियो देखें तो वीडियो देखने से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपने जो ड्रेस बनाना है वो आपकी पसंद से होगा, कि आपकी कंट्रास्ट अगर आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट करेंगी कि आपने स्कार्फ स्टाइल भी लेना है या दुपट्टा स्टाइल लेना है, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, मेकअप का भी लुक मिलेगा आपको कि आपने जो वाइट कलर के ऊपर या ऑफ वाइट के ऊपर अपने लिए ड्रेस के ऊपर जो मेकअप करना है वो किस तरह का करना है, आप पे कैसा प्यारा लगेगा, सूट करेगा। अब आप ये देख सकती हैं, ये फर्शी स्टाइल की मैक्सी है जो कि बहुत ही खूबसूरत और हसीन लग रही है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।